सो हे दोस्तों, स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। मैं अभिषेक शर्मा एक बार फिर से एक नया वीडियो लेके आऊँ जिसमें आज अपन बात करने के फले में कौन सा अपडेट है गूगल का जिसके द्वारा किसी भी वेबसाइट को नेगेटिव इम्पैक्ट करवाया जाता है जब वो कंटेंट डुप्लीकेसी पाई जाती है, और नेगेटिव इम्पैक्ट कौन कौन से देता है वो उसके बारे में बात करेंगे, और उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसके क्या बेनिफिट्स है उस अपडेट के, और बेनिफिट्स के साथ में देखेंगे वो कितने टाइप्स के नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे सॉल्यूशन का कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो आप देख रहे थे यूनी अकेडमी यूट्यूब चैनल, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। तो पहले अपन समझते हैं कि वो अपडेट है कौन सा। सो दोस्तों, बेसिकली वो अपडेट है पांडा अपडेट। ये पांडा अपडेट है क्या, उसके बारे में उसकी डेफिनेशन क्या है। सो पांडा अपडेट एक्चुअली वर्क करता है कि जहाँ पे किसी वेबसाइट पे कंटेंट डुप्लीकेसी पाई जाती है तो उसे नेगेटिव इम्पैक्ट देता है या उसकी तो नेगेटिव इम्पैक्ट कितने टाइप्स का देता है। टू टाइप्स के नेगेटिव इम्पैक्ट देता है दोस्तों। पहला पेनल्टी, दूसरा पेरालाइज। तो पहले अपन समझते हैं पेनल्टी होता है क्या। पेनल्टी होता है दोस्तों, जैसे किसी वेबसाइट पे वो कंटेंट डुप्लीकेसी पाता है तो उसकी वेबसाइट की रैंकिंग को वो डिक्रीज कर देता है। जैसे वो वेबसाइट टॉप पेज वन पे रैंक कर रही थी, बट उसको लगा कि इसमें कंटेंट डुप्लीकेसी है, उसने चेक किया उसके सर्वर्स पे। जब डाटा वो चेक करता है कि उसमें डाटा ये पहले से अपडेट है कि नहीं, यदि अपडेट है तो ये कंटेंट डुप्लीकेसी है, तो उसकी रैंकिंग को डिक्रीज कर देता है। वो पहले पेज से उठा के आपको 10वें पेज में डाल देगा या 5वें 6वें पेज पे, किसी भी पेज पे आपको डाल देगा, बट वो टॉप पे आपको नहीं रहने देगा, ठीक है। अब पेनल्टी नंबर दो, जो पेरालाइज। पेरालाइज क्या होता है, सो अभी समझते हैं अपन पेरालाइज पेरालाइज क्या होता है। पेरालाइज वो होता है कि लेकिन ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है गूगल पांडा अपडेट का। तो इसमें ये होता है कि दोस्तों, जैसे आपकी वेबसाइट पे कंटेंट डुप्लीकेसी पाई जाती है तो गूगल उसी डेटा को डिलीट कर देता है परमानेंटली, या आपकी वेबसाइट को नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, जैसे कि वो आपका वेबसाइट का होल डाटा ना आपके सर्वर से डिलीट कर देगा। जो आपका सर्वर आपने लिया है जहाँ का गूगल का, तो वहाँ से डाटा डिलीट कर देगा, तो आपकी वेबसाइट का फिर डोमेन खराब हो जाएगा। तो ये थे अपडेट, और अपडेट में ये नेगेटिव दो इम्पैक्ट मिलते हैं। अब इसके नुकसान क्या थे। नुकसान ये है कि दोस्तों, यदि आपने किसी भी कहीं से भी आपने कंटेंट डुप्लीकेसी उठा दी, या आपकी वेबसाइट पर कंटेंट आपने किसी जगह से लेके पेस्ट किया है, तो आपकी वेबसाइट क्रॉल होगी। क्रॉल होने के बाद में गूगल आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। यदि आपको नेगेटिव इम्पैक्ट में पेनल्टी देता है तो आप चेंज कर सकते हैं डेटा को, तब तो कोई आपको नुकसान नहीं। आप नेगेटिव इम्पैक्ट तो आपकी रैंकिंग गिर जाएगी, बट इतना अच्छा जो बड़ा नुकसान नहीं होगा आपको। यदि वो आपकी वेबसाइट पे पैरालाइज कर देता आपकी वेबसाइट को, तो पैरालाइज कर देगा मतलब आपका डोमेन खराब हो गया। आपका डोमेन खराब होने के साथ में आपको, यदि उसी डोमेन को आप रिन्यू करके उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों आपकी वेबसाइट को रैंक करवाने में आपको सालों की सालों लग जाती हैं, 2 साल 3 साल 1 साल, मतलब बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों आपको रैंक कराने में। तो ये आपको नुकसान थे। अब फायदे क्या है इसका। जैसे आपने अपनी वेबसाइट बना ली दोस्तों, बट आपने एकदम फ्रेशली डेटा डाला है, गूगल के पास वो डेटा अपडेट कभी नहीं था, तो आपने डाला है बना के खुद कंटेंट राइटर से लिखा के, तो इसके बेनिफिट ये कि आपका कोई डेटा कॉपी करता है और वो रैंक टॉप पे आ जाता है और आप टॉप पे नहीं आ पाते, तो उसको पहले वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, और नेगेटिव इम्पैक्ट देगा तो आपकी रैंकिंग को गूगल खुद आगे अपडेट करवाएगा। आप तो आपको गूगल अपडेट टॉप पे लेके जाएगा गूगल कि आपकी रैंक टॉप पे करनी चाहिए, और जो आपका जिसने कंटेंट कॉपी किया है उसको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा और उसकी रैंकिंग को डिक्रीज कर देगा। तो ये आपके लिए फ़ायदा है। अब ये दोस्तों अपडेट कितनी बार हो चुका है। ये अपडेट पहला अबाउट फरवरी 2011 को आया था, जो USA में लॉन्च हुआ था, और ये अभी तक दोस्तों ये कम से कम 25 से भी ज़्यादा बार अपडेट हो चुका है। तो बी अवेयर कि आपको कंटेंट डुप्लीकेसी का फेस नहीं करना पड़े। यदि आपने कंटेंट डुप्लीकेसी का फेस किया है तो आपकी वेबसाइट नेगेटिव इम्पैक्ट जब पेनल्टी हो लगेगा तब तो आप थोड़ा हैंडल कर पाएंगे। यदि आपकी वेबसाइट को वो पैरालाइज कर देता तो आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराने में बहुत दिक्कतें होंगी और उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी गूगल। तो आप इस चीज़ के बारे में अवेयर होए दोस्तों, और आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि पांडा अपडेट क्या है, पांडा अपडेट के क्या नुकसान क्या फ़ायदे हैं, और एक्चुअली ये कितनी बार अपडेट हो चुका है, और ये पहली बार कब आया था। तो ये क्वेश्चंस आते हैं जब डिजिटल मार्केटिंग की आप कोई जॉब करने के लिए जा रहे हो और आपको इंटरव्यू पूछता है दोस्तों
कि क्या बंड अपडेट है, बंड अपडेट कब आया था पहली बार, कितनी बार अपडेट हो गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आप तैयार कर सकते हैं इसको। तो आप देख रहे थे द यूनी अकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर गाइस।